सभी को नमस्कार। आज का हमारा काले मीठा पानी दे इस कविता में पहला प्रश्न है कि धर्मवीर भारती किस राज्य के निवासी थे। चार ऑप्शन हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो सही जवाब यहाँ पर है उत्तर प्रदेश। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धर्मवीर भारती का जन्म कौन से वर्ष में हुआ था। सन 1933 में, सन 1935 में या सन 1932 में, अदरवाइज सन 1926 में। तो सही जवाब है सन 1926। आपको जिन सवालों के जवाब आते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। प्रश्न आ जाता है कि धर्मवीर भारती कैसे कवि थे, कैसे थे। तो साहित्यकार थे, आलोचक थे, ठंडा लोहा थे, इनमें से कोई भी नहीं थे। तो वो क्या करते थे, साहित्य लिखा करते थे, इसलिए उनका जो कवि थे वो साहित्यकारों में नाम आता है। तो धर्मवीर साहित्यकार थे। धर्मवीर भारती का कविता संग्रह है तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, कनुप्रिया, सात गीतवर्ष, व्यंग्यकार। तो तीनों ही उनकी रचनाएं हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है ए बी सी तीनों, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। प्रश्न है कि प्रस्तुत पाठ में कवि ने मेंढक मंडली में कितने वर्ष के बच्चों की मंडली को बताया है। तो यहाँ पर 10 से 12 साल का ऑप्शन है, 16 से 18 ऑप्शन है, ए और बी दोनों हैं, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो 10 से 12 और 16 से 18 वर्ष के बच्चों का, दोनों का ऑप्शन सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही है, ए और बी दोनों। प्रश्न आ रहा है स्क्रीन पर कि बच्चे क्या जयकारा लगाया करते थे। ऑप्शन है बोल गंगा मैया की जय, दूसरा ऑप्शन है बोल यमुना मैया की जय, तीसरा ऑप्शन है बोल भारत माता की जय, या इनमें से कोई भी नहीं। तो गंगा मैया की जय वो बोला करते थे, बोल गंगा मैया। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है कि धर्मवीर भारतीय ने प्रस्तुत पाठ में किस मंडली का वर्णन किया। पहला ऑप्शन है बानर सेना, दूसरा ऑप्शन है मेंढक मंडली, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान जवाब है, पाठ आपने पढ़ा है कि मेंढक मंडली यहाँ पर सही जवाब है। प्रश्न है कि बच्चे काले मेघ से क्या मांगा करते थे। इसमें पहला ऑप्शन है खाना, दूसरा ऑप्शन है कपड़ा, तीसरा ऑप्शन है पानी, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो हमेशा बारिश के लिए प्रेयर्स किया करते थे, तो पानी की मांग किया करते थे, काले बादलों से, काले मेघ से बरसने की प्रेयर किया करते थे। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन पानी, यानी ऑप्शन सी जो है पानी सही जवाब है। प्रश्न आता है कि बच्चे कैसे वस्त्र पहनते थे। ऑप्शन है लंगोटी, बी ऑप्शन है जांघिया, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो वो लंगोटी और जांघिया पहन करके मंडली बनाकर जाया करते थे। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही जवाब है, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही जवाब है। प्रश्न आता है कि उछलते कूदते बच्चे किस छंद की पुनरावृत्ति करते हैं। पहला है काले मेघा पानी दे, दूसरा है पानी दे गुड़धानी दे, तीसरा है गगरी फूटी बैल प्यासा, चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो काले मेघा पानी दे ये बार बार कहा करते थे, तो इसकी पुनरावृत्ति किया करते थे। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न आता है कि पाठ में वर्णित विधान शब्द का क्या अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है प्रतिष्ठान, दूसरा है वितान, तीसरा है अनुष्ठान, चौथा है कार्यशाला। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब है अनुष्ठान। फल वल कुछ नहीं होता ये किसने कहा था। पहला ऑप्शन है जीजी ने, दूसरा कवि ने, तीसरा मेंढक मंडली ने, चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है मेंढक मंडली ने ये बात कही थी। प्रश्न है लेखक को बचपन में सबसे अधिक प्यार कौन किया करती थी। तो ऑप्शन है माँ, दूसरा ऑप्शन है बहन, तीसरा है जीजी, चौथा है फूफी। तो यहाँ पर सही जवाब है जीजी, ऑप्शन जीजी यहाँ पर सही जवाब है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही उत्तर है।